हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले उमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन एक मोमेंटम देखने को मिलाएगा, जहां पर स्टॉक 1 रुपए के करीब की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम इस स्टॉक के टेक्निकल्स पर चलें तो इस स्टॉक में कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, जहां पर पीछे के 1 सप्ताह में इस स्टॉक में 2.5% के करीब की रैली देखने को मिल रही है, तो 1 महीने में इस स्टॉक में 7.5% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिली है। परंतु अगर हम 3 महीने में देखें तो 12%, 6 महीने में 14% और 1 साल में 43% के करीब की गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, पर इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। जैसा कि अगर आप इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिल रहेगा, जहां पर स्टॉक का एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया अराउंड 93 रुपीज। 93 रुपीज का इस स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया। ऊपरी लेवल पर देखें तो इस स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा और इस स्टॉक का देखें तो नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 36 रुपीज 65 पैसे। 36 रुपीज 65 पैसे के इस स्टॉक में नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जहां से इस स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन रखना चाहते हैं तो अराउंड 40 रुपीज 40 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 54 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।